हेलो दोस्तों, रिचार्ज फंडा चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, मेरे हाथ पे है ICICI अमेजन पे का क्रेडिट कार्ड, जो कि मैं आज आप सभी के सामने अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा एंड बताऊंगा इसका क्या क्या फ़ायदा है, कितना सारा कैशबैक मिलता है आपका अमेजन पे बैलेंस के अंदर एंड कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होगा। हालाँकि इस वीडियो के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक कैसे करके अप्लाई करना है मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहो तो वो वाला वीडियो सबसे पहले देख लो, उसके बाद आके अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देख लेना। एंड सबसे पहले बता दूँ, ICICI ने मुझे इस कार्ड के दौरान जो लिमिट दिया है बहुत अच्छा खासा लिमिट दिया है, 1.5 लाख का लिमिट मुझे मिल चुका है। कैसे मिला मुझे नहीं पता, मैंने विदाउट पेमेंट प्रूफ, विदाउट इनकम प्रूफ मैंने इसको अप्लाई किया था। अप्लाई का वीडियो मैंने जैसे कि बता दिया, डिस्क्रिप्शन पर होगा, जाके देख लेना, ठीक है। तो चलो इसका अनबॉक्सिंग सबसे पहले देख लेता हूँ, इसके अंदर से क्या क्या मिलता है, क्या क्या पेपर वर्क मिलता है, इस कार्ड का फ़ायदा क्या है, इस कार्ड के अंदर कितना सारा बेनिफिट आप सभी को मिलेगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए एंड मेक श्योर वीडियो को आपके तरफ से एक लाइक कर देना एंड सारी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। जैसे कि देख सकते हैं नीचे की तरफ प्लेस है हमारा जो ICICI अमेजन पे क्रेडिट कार्ड एंड ऊपर के साइड इसका की फीचर्स लिखा गया है, जो असली जो फीचर्स आप लोगों को मिलेगा 5% अमेजन प्राइम यूज़र के लिए, 3% नॉन प्राइम के लिए, 2% मिलेगा बिल पेमेंट वगैरह सब के लिए अमेजन के अंदर से एंड 1% मिलेगा अलग जो कुछ भी सेक्शन पे करेंगे तो 1% का कैशबैक एंड सारी कैशबैक मिलेगा आपको अमेजन पे बैलेंस के अंदर वो महीना ख़त्म हो जाने के बाद। एंड नीचे देख सकते हैं मेरा क्रेडिट लिमिट दिया गया है 1.5 लाख का, यानी 1.5 लाख का एंड कैश लिमिट है 15,000 का, ठीक है। एंड नीचे पे देख सकते हो कार्ड इधर पे प्लेस है, कार्ड का सिक्योरिटी रीज़न ICICI बैंक ने इसको हाइड करके देता है, तो इसको मैंने सिंपली ग्लू से उठा लेता हूँ। नीचे पे एक ग्लू रहता है तो ग्लू से मैंने इसको चिपका हुआ था उसको उठा लिया, तो उठाने के बाद पूरा का पूरा पेपर वर्क जो कि मैंने आप सभी को दिखा दिया है। एंड मेक श्योर मैं बता देता हूँ, इस कार्ड का कोई भी एनुअल चार्ज नहीं है एंड साइनअप पे भी, मतलब एप्लीकेशन के दौरान भी कोई भी ज्वाइनिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ता है, ठीक है, ये आप लोग जान के रखो। तो चलो अभी कार्ड का इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हो। देखो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आता है, बहुत ही शानदार सा दिखने वाला एक कार्ड है। आप लोगों को भी ज़रूर इसको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत सारा है, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हो इसका इंटरफेस भी अच्छा है एंड 5% हर वक्त आप लोगों को कैशबैक मिलता है, आप प्राइम यूज़र हो तो, एंड नॉन प्राइम हो तो 3% का जो कुछ भी अमेजन पर शॉपिंग करेंगे तो मिल जाएगा। इसका पीछे के साइड देख लो, मैग्नेटिक जो वो दिया हुआ रहता है ऊपर पे, वही असली ट्रांजेक्शन पे काम आता है, लेकिन हाल ही में हम लोग तो इसको ऑनलाइन पे ट्रांजेक्शन करने वाला है, ऑफलाइन नहीं करेंगे। तो चलो और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, मेरा इस चैनल के अंदर और एक कंपैरिजन वीडियो आने वाला है जो कि बहुत ही अच्छे से होने वाला है। कौन सा दो कार्ड वो देख लो अभी के अभी, जो कि है अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, दोनों का टिप कंपैरिजन में बताऊंगा कौन सा कार्ड आपके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि दोनों कार्ड अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट पे फ्री पे आ रहा है, विदाउट एनी चार्ज आपको मिल रहा है। तो चलो मैं इसका कंपैरिजन बताऊंगा कौन सा कार्ड आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा अगले और एक नया वीडियो पर।